brief history of Nigeria, that is your fourth paragraph, page number 89, aur uska last paragraph hai. Ultimately, the British were prompted to occupy Nigeria for more than slave trade. अब ये जो ब्रिटिश थे उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था नाइजीरिया को फॉर मोर देन द स्लेव ट्रेड. ब्रिटिश वर इन कंपटीशन विद अदर यूरोपियन फॉर द कंट्रोल ऑफ नेचुरल वेल्थ ऑफ अफ्रीका. जैसे आप लोगों को बताया था कि ये लोग जो थे इनको क्या था कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई यूरोपियन कंट्रीज के अंदर तो फाइनली क्या हुआ कि दे वर हंग्री फॉर चीप लेबर रॉ मटीरियल एंड लैंड. क्यों? द रीजन इज दैट ये तीनों चीजें जो है इसकी डेफिशिएंसी होगी यूरोपियन कंट्रीज में. जब भी किसी एरिया के अंदर इंडस्ट्रीज लगती हैं तो हमेशा वहां पे तीन चीजों की जरूरत होती है, लैंड, रॉ मटेरियल एंड लेबर. और हमेशा जब भी कोई सनत होती है, कोई इंडस्ट्री होती है, उसकी हमेशा कोशिश होती है कि हम अपने प्रॉफिट्स बढ़ा लें. तो फाइनली क्या होता है उस एरिया के अंदर, फॉर एग्जाम्पल हम अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप कराची में बैठे, ठीक है, कराची में क्या होगा कि या किसी भी इंडस्ट्रियलाइज आप सिटी के अंदर चले जाए, वहां की लाइफ क्यों फास्ट होती है? क्योंकि एवरीवन, हर बंदा ही वो परेशान है कि भाई किसी तरह मेरे जो प्रॉफिट्स हैं वो ज्यादा हो जाए. होता ये है कि इनसाइड द कराची, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कपड़े का की ही फैक्ट्री चले एक लगा लेते हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से चाहिए होगा? वो सारा रॉ मटेरियल जो है कपड़े का सारा फैसलाबाद से आता है, ठीक है, फिर वहां से वो लेके आया जाता है. अब फैसलाबाद में कहाँ से पहुंचता है? फैसलाबाद में, क्योंकि वो सारा एरिया जो है अगर आप पंजाब में देखें तो रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? वहाँ के गांव से आ रहा है, फैसलाबाद के इर्द गिर्द. इसलिए फैसलाबाद में जो है कपड़ा बनता है बिकॉज उसके इर्द गिर्द जितना भी एरिया है वहां पे कपास बहुत ज्यादा होती है. दैट इज द मेन रीजन. और फिर वो जो सनती लोग हैं, जो फैक्ट्री मिल ऑनर्स हैं, वो क्यों गाँव का सफर करते हैं? द रीजन इज दैट कि वहां पे उनको चीप लेबर, चीप लैंड और रॉ मटेरियल मिलता है. सेम इज द केस विद यूरोपियन कंट्रीज. और ये यूरोपियंस जो हैं, ये इन्होंने जब देखा कि भाई हमारे जो एरिया है वहां पे ना तो अब चीप, जब आप एक एरिया के अंदर आप कराची में या बड़े शहरों में चले जाएं, इवन लाहौर में चले जाएं, इस्लामाबाद में चले जाएं, व्हाट इज द रीजन वहां पे महंगाई क्यों हो जाती है और छोटे शहरों में इतनी नहीं होती? आप कभी कंपेयर करके देखिएगा, क्योंकि मैं तो रही हुई हूँ, हम लोग मियाँ वाली में भी रहे हैं, हम लोग यहाँ पे भी रहे हैं, रिसाले वाला में रहे हैं, यहाँ पे फैसलाबाद के करीब एक छोटा सा गांव है. आप यकीन करें वहाँ की लाइफ इतनी पुरसकून होती है और वहाँ के रेट्स बड़े कम होते हैं, क्योंकि आपको फ्रेश हर चीज़ मिल रही होती है, दूध भी मिल रहा होता है और जो है ये सब्जी भी फ्रेश मिल रही होती है, हर चीज़. वो अब द रीज़न इज दैट कि वट इज़ द रीज़न कि वहाँ पे जब रॉ मटीरियल और लैंड की कमी होती है और ये सारा कुछ, तो दैट्स वाई ये लोग फिर हमेशा जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या जितनी भी वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये हमेशा सफर करती हैं किस तरफ का, इनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की जरूरत पड़ जाती है, उनकी लैंड की जरूरत पड़ जाती है. और एक कंपटीशन चल पड़ा अब यूरोप में भी, यूरोपियंस में भी, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटिश, ये सब में आपस में कॉम्पिटिशन पड़ गया कि हम में से कौन मैक्सिमम प्रॉफिट कौन गेन करेगा. इन्होंने क्या किया, इन्होंने अफ्रीका को और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया. इन्होंने रुख ही इस तरफ को किया था कि चलो ये जो पढ़े लिखे लोग नहीं है इनको सिविलाइजेशन के नाम पे इन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू किया और फाइनली जो है इन्होंने उनके एरियाज जो है उनको कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया. उस कॉलोनाइजेशन का इनको सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? वॉर अगर ये करते तो क्या होता? वॉर होता तो कत्लो गारत होती, बहुत ज्यादा जो है आपको हथियार चाहिए होते, वेपन्स चाहिए होते, जिसमें. लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हमें तो अगर हम वॉर करते हैं तो सारी लैंड ही तबाह हो जाएगी, ठीक है. फिर वहां पे आपको पता है जहाँ पे वॉर होती है वहां पे कई अरसे तक फसलें वगैरह तबाह हो जाती हैं. तो इन्होंने सिविलाइजेशन के नाम पे इन ममालिक का सफर शुरू किया. मिशनरीज आए, उन्होंने कहा जी आपका कल्चर इस तरह का है, हम आपको बेहतर कल्चर देंगे. लाइक इनके, अब जैसे हम थिंग्स फॉल अपार्ट में देख रहे हैं कि इनके जो लॉज थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स थे. अब इन्होंने इसी नाम पे जो है कॉलोनाइज करना शुरू किया. इधर से इन लोगों को पता नहीं था, नाइजेरियंस को पता नहीं था कि भाई ये हमारे साथ क्या करें. नाइजेरियंस इस बात पे खुश थे कि ये तो हमें सिविलाइज करने आ रहे हैं, उन्होंने इनको बड़ा खुले हाथों ले लिया, ठीक है. और ये लोग जो है अंदर ही अंदर से इन्होंने वहां के लोगों को जो है स्लेव बना लिया, वहां की लैंड को बड़े तरीके से इन्होंने यूज करना शुरू किया और इस तरीके से इनको
चीप लेबर रॉ मटेरियल और लैंड तीनों चीजें मिलती हैं. इवन इन्होंने हद ही कर दी जब इन्होंने स्लेव्स जो हैं वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गए. वहां से अफ्रीकन स्लेव्स जो हैं वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गए. और आज की जो इंपीरियलिज्म है वो ये है कि आपको रोज फेसबुक के ऊपर एक ऐड तो जरूर मिलता होगा कि इमिग्रेशन टू फलानी जगह, ठीक है, इमिग्रेशन टू कैनेडा, इमिग्रेशन टू अमेरिका, इमिग्रेशन टू यूरोप. तो ये आपको बड़े आराम से मिलता होगा. द रीजन इज दैट उनका जो अपना वहां का बंदा है वो ज्यादा पैसे लेता है और वो नखरे भी करता है. यहाँ का जाएगा तो चुप करके वो आप उसको डॉलर्स में देंगे, वो पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करेगा और वो कहेगा अच्छा इतने डॉलर पाकिस्तानी तो इतने लाख बन जाते हैं. तो दैट इज द रीजन कि ये है जनाब सारा इम्पीरियलिज्म जो कि यहाँ पे छाना शुरू हुई थी और ये यहाँ अफ्रीका से स्टार्ट हुई थी. ये सबसे पहले इन्होंने नाइजीरिया को, नाइजीरिया और बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरफ सफर किया था. और ये जो हमारा पाकिस्तान है और इवन ये जितना भी एशिया है जो जो जिसे हम बड़े सगीर कहते हैं, अफ्रीका, ईरान, इराक, ये सारे इसी चक्कर में अब कॉलोनाइज हो गए, ठीक है. तो ये सारा ये इनकी सारी है कि ये ब्रिटिश वर इन कॉम्पिटिशन विद यूरोपियंस. अब ये यूरोपियंस के साथ इनका कॉम्पिटिशन था कि भाई किसके पास ज्यादा जगह आती है. फॉर द कंट्रोल ऑफ नेचुरल वेल्थ ऑफ वेस्ट अफ्रीका एट द बर्लिन कॉन्फ्रेंस ऑफ 1884-85 अ मीटिंग अरेंज्ड टू सेटल rivalries among European powers. The British proclaimed Nigeria to be their territory. They brought palm oil, peanuts, rubber, cotton and other agricultural products from Nigeria. ठीक है, वो ब्रिटिश जो है वो उन्होंने प्रोक्लेम किया नाइजीरिया को टू देयर टेरिटरी. उन्होंने कहा ये तो हमारी टेरिटरी, ठीक है. उन्होंने प्रोक्लेम कर दिया था कि इस पे हमारा कब्जा है, यानी कि कोई और यूरोपियन कंट्री इसको नहीं देखेगा. और वो क्या क्या लेके आए, उन्होंने पाम ऑयल, पीनट्स, रबर, कॉटन एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम नाइजीरिया वो लेके आए. इंडीड ट्रेड इन दीज प्रोडक्ट्स मेड सम नाइजीरियन ट्रेडर्स वेरी वेल्दी. इन द अर्ली 20th सेंचुरी ब्रिटिश डिफाइंड द कलेक्शन ऑफ डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स एज वन कंट्री नाइजीरिया एंड डिक्लेयर्ड इट अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. और फाइनली इन्होंने क्या किया के डिफाइन कर दिया कलेक्शन ऑफ डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स एज वन कंट्री. सारे एथनिक ग्रुप्स को उन्होंने एक वन कंट्री डिफाइन किया और उसका नाम नाइजीरिया था. और उसको कहा कि ये कॉलोनी है ब्रिटिश एम्पायर की, यानी कि कोई और अब इसकी वेल्थ की तरफ आंख उठा के भी ना देखे. द ब्रिटिश मूव्ड इनटू नाइजीरिया विद द कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, रिलीजियस मिशन एंड इकोनॉमिक इंसेंटिव. ब्रिटिश जो है वो नाइजीरिया में गए एक कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, रिलीजियस मिशन और इकोनॉमिक इंसेंटिव के साथ. इन द नॉर्थ द ब्रिटिश रूल इनडायरेक्टली विद द सपोर्ट ऑफ लोकल मुस्लिम लीडर्स. और नॉर्थ में ब्रिटिश ने किस तरह से रूल किया, इनडायरेक्टली विद द सपोर्ट ऑफ लोकल मुस्लिम लीडर्स. वहाँ के लोकल मुस्लिम लीडर्स, ये कहानी शुरू होगी ये बड़े सगीर की, ठीक है, वो कलेक्टेड टैक्सेस एंड एडमिनिस्टर्ड अ गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑन द ब्रिटिश, जो कि कलेक्ट करते थे टैक्सेस को और एडमिनिस्टर करते थे एक गवर्नमेंट को ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश. बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश वो ये सारा काम करते थे. इन द साउथ हाउएवर कम्युनिटीज सच एज यूमोफिया एंड थिंग्स फॉल अपार्ट वर ऑफन नॉट अंडर वन सेंट्रल अथॉरिटी. द ब्रिटिश हैड टू इंटरवीन डायरेक्टली. और साउथ में जहाँ पे वेयर कम्युनिटीज जैसे यूमोफिया एंड थिंग्स फॉल अपार्ट वर ऑफन नॉट अंडर वन सेंट्रल अथॉरिटी, ये वन सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर नहीं थी, यानी कि वहां पे तो क्लैंस बने हुए थे ना, छोटे छोटे क्लैंस थे, तो एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने द ब्रिटिश हैड टू इंटरवीन डायरेक्टली एंड फोर्सफुली टू कंट्रोल द लोकल पॉपुलेशन. तो उन्होंने डायरेक्टली और फोर्सफुली लोकल पॉपुलेशन को जो है कंट्रोल करने की कोशिश की और थ्रू मिशनरीज भी इन्होंने उनको कंट्रोल करने की कोशिश की. इन्होंने वहां पे जाके अपनी अदालतें बना दी थी, ठीक है, और इन्होंने डायरेक्टली उनको कंट्रोल करने की कोशिश की थी. तो दो तरह की अदालतें वहां पे बन गई थी, एक तो वहां की अफ्रीकन्स की थी और एक इनकी थी. फॉर एग्जाम्पल अ रियल लाइफ ट्रेजेडी एट द कम्युनिटी ऑफ आयरा सर्व्स एज हिस्ट्री मॉडल फॉर मैसेकर ऑफ द विलेज ऑफ अबामा इन चैप्टर 15 ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट ऑन नॉवल. अब ये अबामा का मैं आपको बताऊंगी कि अबामा जो है इन्होंने पूरे का पूरा जस्ट एक वाइट मिशनरी को किल करने पे इन्होंने पूरे के पूरे गांव को आग लगा दी और ये मैसेकर जो है इसके अंदर दिखाया गया. उसके बाद है ऑन नवंबर 16, 1905 अ वाइट मैन रोड हिज बाइसाइकल इनटू आयरा एंड वाज किल्ड बाय नेटिव. एक वाइट मैन था जो कि आयरा में
गया और वो नेटिव्स ने उसको किल कर दिया. A month later, an expedition of British forces searched the villages in the area and killed many natives in reprisal. उन्होंने बदले के तौर पे बहुत सारे natives को जला वो जो है kill कर दिया था. The Ira incident led to Bandar Onista in hinterland expedition, a force created to eliminate Ibo opposition. The British destroyed the powerful Oka oracle and killed all the opposing Ibo groups. British ने destroy कर दिया था powerful Oka oracle को और उन्होंने किल कर दिया था तमाम अपोजिंग आइबो ग्रुप्स को. आपको पता है ये लोग ओरेकल्स को माना करते थे एट दैट टाइम. ये अभी थिंग्स फॉल अपार्ट में आगे चल के हम पढ़ेंगे इसके डिफरेंट चैप्टर्स में. इन 1912 द ब्रिटिश इंस्टीट्यूटेड द कलेक्शन पनिशमेंट ऑर्डिनेंस व्हिच स्टिपुलेटेड पनिशमेंट अगेंस्ट एन एंटायर विलेज और कम्युनिटी फॉर क्राइम्स कमिटेड बाय वन और मोर पर्सन अगेंस्ट द वाइट कॉलोनियलिस्ट. द ब्रिटिश ऑपरेटेड एन एफिशिएंट administrative system and introduced a form of British culture to Nigeria. They also sent many capable young Nigerians to England for education. The experience of Nigerians who lived overseas in years preceding, during and after World War II gave rise to a class of young educated nationalists who agitated for independence from Great Britain. The British agreed to Nigerians' demands and in 1947 instituted a 10-year economic plan toward independence. Nigeria became an independent country on October 1st, 1960 and became a republic in 1963. With the British long gone from Nigeria, corruption and a lack of leadership continued to hamper Nigerians' conquest for true democracy. ब्रिटिश जो है बहुत अरसे तक उन्होंने राज किया, सेम एज द केस विद बड़े सगी. ठीक है, दोनों को हम साथ साथ लेके चलते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि आज भी हम गुलाम क्यों हैं. बेटा कौमें जो है ना, जो कभी गुलाम रह चुकी हो ना, वहां से ये ब्रिटिश चले भी गए थे. इन्होंने इसको भी तो कॉलोनाइज ही किया था ना, बड़े सगीर को. और इन्होंने यहाँ पे क्या फार्मूला अप्लाई किया था, डिवाइड एंड रूल. ठीक है, इन्होंने डिवाइड कर दिया और उसके बाद इन्होंने रूल किया था. सेम इज द केस विद द नाइजीरिया, इन्होंने उनको डिवाइड किया एंड देन रूल किया. तो वो कौमें जो एक दफा गुलाम हो जाती है ना, वो सारी उम्र गुलाम ही रह जाती है. इंसान आज मुसलमान जो है, आप पाकिस्तान या इंडिया को देख लें, बेशक वो हिंदूज हैं या जो भी हैं, दोनों नेशंस चाहे वो मुस्लिम्स हैं या हिंदूज हैं, ब्रिटिश चले गए हैं लेकिन स्टिल वी आर स्लेव्स ऑफ देम, वी आर मेंटल स्लेव्स ऑफ देम. तो दैट इज द कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट जो कि बाद में इन कौमों के साथ होता है, कि ये कौमें जो हैं जब एक किसी भी कौम को गुलाम बना लेती है ना, तो वहां से ये लोग चले भी जाए. एक जो देखें गुलाम बंदा होता है ना, वो सारी उम्र अपने आप को गुलाम, उसकी गुलामी उसके दिमाग से कभी भी नहीं जाती. तो दैट इज द रीजन यही चीज अलाउन इकबाल एंड तक कहते रह गए कि अपने कल्चर को नहीं छोड़ा. तो हम लोग ना तीतर रहे, ना बटेर रहे, हम ना पूरे के पूरे अंग्रेज है, ना हम पूरे के पूरे पाकिस्तानी. ठीक है, हम पता नहीं कौन से उस पर लटक रहे हैं, हमें वाकई नहीं पता कि हमारा कल्चर क्या है. और क्योंकि हमने अपना कल्चर छोड़ दिया था ना, तो इस वजह से हम लोग तबाह हैं. तो दैट इज द मेन थिंग जो एट दैट टाइम अल्लामा इकबाल रोया करते थे कि ये चीज हमारी नेशन ने खो दी है. तो इस चीज को एक्चुअली आप पकड़े, तो हमेशा ऐसी कौमें जो अपना कल्चर खो देती हैं, तो यहाँ पे भी उसने यही दिखाया कि नाइजीरियंस जो है वो अपना कल्चर खो चुके थे, इसलिए थिंग्स फॉल अपार्ट, यानी कि शराजा पूरे का पूरा बिखर गया. अ सीरीज ऑफ मिलिट्री कॉर्प्स एंड डिक्टेटरशिप इन 1970s एंड अर्ली 1990s रिप्लेस द फ्रेजाइल डेमोक्रेसी दैट नाइजीरिया एंजॉयड इन 1960s. In 1993, Nigeria held a democratic presidential election, which was followed by yet another bloodless coup, and so continues the political pattern for the troubled, violent, most populous country in Africa. Or finally, जो है एक political pattern शुरू हुआ for the troubled, violent or most populous country in Africa के अंदर. तो ये जनाब इसकी जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ नाइजीरिया है, दैट हैज बीन एंडेड. कल हम इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन टू थिंग्स फॉल अपार्ट करेंगे और उसके साथ साथ फिर हम जो है कोशिश करेंगे कि प्लॉट समरी भी हमारी कंप्लीट हो जाए. ठीक है, और आफ्टर दैट हम फिर अपने क्वेश्चन आंसर जल्दी शुरू करेंगे. हाँ जी हिरा,
मीटिंग के लिए आप जा रही थी घर से बाहर, तो आपने बायोग्राफी ऑफ चिनुआ एचेबे और इसके अंदर यही था, मैंने स्क्रीनशॉट वो यूट्यूब की एक वीडियो भेजी थी चिनुआ एचेबे एज अ नॉवलिस्ट, तो मुझे कंफर्म ना हो तो मैं ऐसे बात नहीं करती हूँ।